हेलो फ्रेंड्स, ये टेक्निकल पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया फोटो एडिटिंग लेकर आया हूँ, जो अभी तक आपने कभी किया भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। तो हमारे चैनल में मैं आपको सबसे पहले वैसा कोई एडिटिंग दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो प्लीज़ यार, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और मैं आपको पहले मेरा एक सैंपल दिखा देता हूँ एडिटिंग किया हुआ, तो ये देखिए और आगे भी वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड, ऐसी होगी वो एडिटिंग। तो इसके लिए आपको सिर्फ दो एप्लीकेशन की जरूरत है, एक का नाम है पिक्चर और दूसरे का नाम है काइन मास्टर। अगर आपको कोई अपना म्यूजिक भी अंदर एडिट करना है तो इसके लिए तीसरी एप्लीकेशन है वीडियो शो। इस तीनों एप्लीकेशन की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर होगी, तो वहाँ जाके डाउनलोड कर ले फ्रेंड। और जो फायर वाला थीम आपने देखा ना, वो भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो की लिंक भी है, तो वहाँ जाके डाउनलोड कर ले फ्रेंड। तो चलिए सीधे से मैं वीडियो में ले जाता हूँ। सबसे पहले पिक्चर ओपन करते हैं हम। तो यहाँ प्लस पर क्लिक कर देना है आपको, एडिट पर जाना है और कोई भी फोटो ले लेना है आपका। तो हमने यहाँ फोटो ले लिया है, तो आपको यहाँ ड्रॉ पर चले जाना है। वहाँ जाके यहाँ जो राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है वहाँ पर टच करना है और अपने फोटो पर टच कर देना है। फिर आपको यहाँ रबर पर जाना है और दो बार उसको क्लिक करना है और देखिए इसको चुनना है और यह 25px होना चाहिए और फिर सेट कर देना है। फिर मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरह से भी आप कर लेना फ्रेंड। तो वीडियो ज़रा लंबा ना हो इसीलिए मैं फ्रेंड थोड़ा कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर हमारा फोटो एडिट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको तीन डॉट्स दिख रहे हैं, वहाँ पर आपको टच कर देना है और सेव इमेज कर देना है। इसके बाद आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, इसका मैंने एक फायर वाला थीम आपको बताया था, वो अभी अभी चाहिए फ्रेंड। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए फिर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है फ्रेंड। तो एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, बाद में आपको मीडिया पर जाना है और फिर आपको जो फायर वाला थीम था वो आपको ले लेना है। और फिर आपको अपना जो अभी हमने पिकार्ट से फोटो एडिट किया उस फोटो को आपको ले लेना है, अभी नहीं लेना फ्रेंड सॉरी। अब आप लेयर पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर और फिर इमेज पर चले जाइए, बाद में हमने जो फोटो एडिट किया उस पर जाइए। तो फ्रेंड आप देख पा रहे होगे अभी हमारा फोटो थोड़ा थोड़ा एडिट हो रहा है। देखिए इस तरह से आप कर लीजिएगा, ये सब तो आपको ये काम चीज है ये तो आती होगी, ये कोई एडिटिंग का मेन पहलू नहीं है, वो भाग नहीं है वैसे वो। तो इस तरह से आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जा इमेज पर क्लिक करना है यहाँ नीचे से और फिर आपको अल्फा में जाकर इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, हाँ इस तरह से, और राइट पर क्लिक कर देना है। अब आपको वीडियो पर टच करना है और ग्रुप पर चले जाना है और फिर इस तरह से टच सॉरी फ्रेंड इस तरह से टच कर देना है और वीडियो को थोड़ा सा जो छोटा कर देना है और राइट पर क्लिक कर देना है। अब हमें फिर से इमेज पर जाना है, इसकी ओपेसिटी बढ़ा देनी है और फिर हमें जिस तरह से अब जिस तरह से सेट करना हो इस तरह से हम कर सकते हैं फ्रेंड, इतना याद रखना। देखिए अब यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी फोटो तो सेव हो गई, इसको अब सेव कैसे करना है, तो इस पर जाना है शेयर पर और सेव टू गैलरी कर देना है और जिसमें भी करना है आप कर लीजिएगा। तो मैं सीधे चलिए दिखा देता हूँ आपको।
तो यहाँ पर हो चुका है हमारा जो वीडियो था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे गैलरी में। तो फ्रेंड यहाँ आप देख पा रहे हो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है हमारा फोटो। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको पूरा पूरा समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो फ्रेंड।